हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं इनाल्टा के एयर फ्रायर के बारे में। ये मॉडल है न्यूट्री फ्रायर डिजिटल, टच कंट्रोल डिजिटल है इसमें डिस्प्ले। तो चलिए बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट को। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें हमें मिलता है एक इंस्ट्रक्शंस कम वारंटी मैनुअल कार्ड और एक ये एक्सटेंडेड वारंटी के लिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो अप करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपकी 6 महीने की वारंटी एक्सटेंड हो जाती है प्रोडक्ट की। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है प्रोडक्ट की, और जैसा कि प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है 1400 वाटेज का है ये प्रोडक्ट। 4 लीटर की इसकी पैन कैपेसिटी है, पैन कैपेसिटी इसकी 4 लीटर की है, जो काफ़ी अच्छी है। और साथ में हमें मिलता है कि इसके फूड सेपरेटर। ऑर्डर कोटेड है, चलिए इसको ऑन करते हैं, देखते हैं। टच कंट्रोल है डिजिटल डिस्प्ले के साथ में। अभी ये हमारा मेन्यू इसमें ऑन हो गया है, और इसमें हमें 8 प्रीसेट मेन्यू दिए हुए हैं, जिसमें कि हमारा टेम्परेचर और टाइमर जो है वो ऑलरेडी प्रीसेट है। सपोज मैंने अभी फ्रेंच फ्राइज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, दूसरा इसमें हम अपना टाइम और टेम्परेचर मैनेज भी कर सकते हैं खुद से, अगर करना चाहे अप डाउन करके अपना टाइम एंड टेम्परेचर आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। भाई मैंने इसको बंद कर दिया है, अभी हमारा ये मेरा फ्रेंच फ्राइज पे लगा हुआ था। अब मैं सेकंड पे दूसरे पे क्लिक करूँगा, यहाँ से आप अपने मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम एंड टेम्परेचर दोनों चीज़ें आपकी ऑलरेडी इसमें प्रीसेट की हुई हैं। अभी जैसे सपोज मैं चिकन पे आ गया, ये हमारी स्टिक्स के लिए है। अभी ये मोड हमारा फिश पे चला हुआ है, तो ये फिश के लिए है। इसको जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली अपना चल पड़ेगा, जितना इसका टाइम है फिश के लिए इसमें लेना है और जितना इसका टेम्परेचर है वो इसमें किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मैं मुझे अपने सारे मोड्स यहीं से सिलेक्ट करने हैं। अभी मैं प्रॉन्स पे चला गया हूँ, प्रॉन्स पे जो इसका टेम्परेचर जो इसको रिक्वायर्ड है वो इसमें ऑलरेडी प्रीसेट है, जो टाइम है इसके लिए वो भी प्रीसेट है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा यहाँ पे हम आ गए केक के पास में, उसके बाद लास्ट हमारा ये मशरूम्स के लिए है। हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स वगैरह भी अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं मसाला वगैरह डाल के। इसको हमने फूड सेपरेटर को निकाल देना है। बीन्स वगैरह, पोटैटोज, जो भी आपको इसमें डालनी है, डालने के बाद मसाला लगा के इसको इजीली इसमें डाल देना है। ये हमारी लग जाएगी और यहाँ से आप इसको ऑन कर देंगे किसी भी मोड पर जिसको आपको चलाना है। और बीच में आपको एक काम और करना है कि जब भी आपको लगे कि 2-4 मिनट हो चुके हैं तो एक बार इसको निकाल के हल्का सा शेक कर लेना है। शेक करने से क्या है कि आपकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे, जो नीचे दबे हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि वो अच्छे से क्रिस्पी और पक जाएंगे। उसके बाद फिर आप दोबारा से अपनी ये बास्केट इसमें लगा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। अटैचमेंट के तौर पर हमें इसमें सिर्फ ये फूड सेपरेटर मिलता है और हमारी ये 4 लीटर की इसकी कैपेसिटी है बास्केट की। आप जब भी इसमें चिकन वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपको उसमें हल्की सी ऑयल ब्रशिंग करके आपको उस फूड सेपरेटर के ऊपर ही इसको रखना है, फूड सेपरेटर के ऊपर रखना है। उसके बाद आप ये लगा सकते हैं। मकैन वगैरह बनाने हैं आपको, स्माइलीज वगैरह अगर करनी है तो उसके लिए हल्का ऑयल ब्रशिंग करके उसको, पनीर टिक्का है आपका, काफ़ी चीज़ें जो भी आपको बनानी है उसमें आपको ये फूड सेपरेटर ज़रूर रखना है। जब भी आपको मिक्सिंग के लिए अपनी वेजिटेबल्स वगैरह अगर रोस्ट करनी है उसमें आप फूड सेपरेटर को निकाल सकते हैं और उसके बाद में इसमें सीधा डाल के अपनी इनको आप रोस्ट कर सकते हैं। 1400 वॉट की इसकी पावर है, और ये आपको मैं बता देता हूँ, ये अभी हमारा पावर इसमें आई हुई है, ऑन है हमारा, तो उसके लिए ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं अपने एयर फ्रायर को चालू मोड में कर दूंगा, वर्किंग पे लगा दूंगा, तो मेरी ये रेड लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगी। जैसे ही इसका टाइम कंप्लीट होगा
एज हमारी जो भी इसमें हमारी डिश वगैरह जो बन रही है, तो उसके बाद में हमारी ये रेड लाइट यहाँ से हट जाएगी, ऑरेंज वाली जो लाइट है सिर्फ हमारी ग्रीन लाइट जली रहेगी। ग्रीन लाइट हमारी पावर इंडिकेशन के लिए है कि इसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, चालू हो गया है, हमने ऑन किया हुआ है इसको। दूसरा, इसमें पीछे एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, हॉट एयर आपकी जो निकलती है, जो भी हॉट एयर इसमें बनेगी मोटर चलने से कन्वेक्शन के थ्रू, जो भी इसमें हीट जनरेट होती है वो आपकी पीछे से निकल आएगी। प्लास्टिक एबीएस बॉडी के साथ में है, 2 साल की हमें प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको इनके बारे में बताई दिया है, जो 8 प्रीसेट मैनुअल्स इसमें दिए हुए हैं, मोड्स जो दिए हुए हैं, इनमें आपको किस में क्या क्या चीज़ें करनी है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट वाले पॉइंट पे आपके लिए फ्राइज़ वगैरह, पोटैटोज की फ्राइज़ जो बनाते हैं, और ये फ्रोजन फ्राइज़ जो हमारी मार्केट से आती हैं हाफ फ्राई की हुई। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे हमारा चिकन है, चौथे नंबर पे स्टिक्स है, पाँचवें नंबर पे फिश के लिए है, छठे नंबर पे प्रॉन्स के लिए है, सातवें नंबर पे केक है, आठवें नंबर पे अपनी वेजिटेबल्स मशरूम वगैरह आपको रोस्ट जो भी करनी है उनके लिए है। इसमें एक मेन चीज़ और आपको बता देता हूँ, इसमें जो टाइमर और जो टेम्परेचर है वो आपका वेरिएबल है। आप इन 8 मोडों के अलावा खुद से अपना खुद का एक टाइम एंड टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे ही आपका दिया हुआ है मार्क टाइम एंड टेम्परेचर के लिए। आपको इसको सिर्फ क्लिक करना है, आपका टाइमर ऑन हो गया है। आप इसमें 1 मिनट से लेकर के 60 मिनट्स तक के लिए अपना इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। 1 घंटे तक के लिए इसमें टाइमर दिया हुआ है आपको पूरा, जैसा कि आप देख रहे हो 60 मिनट्स तक का दिया हुआ है। सेम एज आपका ये टेम्परेचर के लिए है, 80 डिग्री इसमें मिनिमम टेम्परेचर है कि 80 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। उसके बाद में आप इसको ले जा सकते हैं अपना इसका 200 तक। मिनिमम टेम्परेचर इसका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस तक इसका चला जाएगा, 40 एंड हायर आपका इसमें 200 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है। ये आप खुद से अपना मैनेज कर सकते हैं अपनी खुद की डिश बनाने के लिए। आपको जिस टेम्परेचर पे रखना है, जिस टाइम में रखना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये प्रोडक्ट है 2 साल की वारंटी के साथ में, प्लास्टिक बॉडी है, फिनाल्सा न्यूट्री फ्रायर डिजिटल एयर फ्रायर। इसकी बास्केट को अगर आपको साफ करना है या फुल सेपरेटर को आपको साफ करना है तो हमेशा याद रखें कि किसी लोहे वाले जूने से इसको साफ नहीं करना है। आपको इसको सिर्फ गीले कपड़े से या आपके पास कोई फोम हो तो उससे आप इसको साफ करना, अदरवाइज इसका जो पाउडर है, जो कोटिंग की हुई है, वो उसकी निकल जाएगी और इसमें रस्ट लगने का खतरा हो सकता है। तो हमेशा इसको साफ़ करते हुए ध्यान रखना है कि सिर्फ गीले प्लेन कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बास्केट दोनों अच्छी रहे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके लिए बैग्स की नई नई वीडियो बनाता रहूँगा।